वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चेक करेंगे कि जावास्क्रिप्ट जो रहते हैं, जो भी अपना जेएसपी पेज रहता है उसमें हम लोग जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं उसको डिबग कैसे करना है। मतलब इन केस आपको कुछ इशू आ रहा है और इशू को डिबग कैसे करना है क्रोम के कंसोल थ्रू, तो वो हम लोग चेक करेंगे। अभी जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो एक्सेप्ट वाल का बटन है इसके क्लिक पे ये सब चेकबॉक्स चेक हो रहे हैं। तो अभी मुझे डिबग करना है कि ये इसमें वन बाय वन कैसे एक्शन हो रहा है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, जो भी आपका यूआरएल रहेगा वो कोई भी एक ब्राउज़र में, जैसे अभी मैंने क्रोम ओपन किया है उसमें ओपन करना है। उसके बाद राइट क्लिक करना है, देन इंस्पेक्ट करना है। उसके बाद आपको सोर्स पे क्लिक करना है, ये सोर्स वाला ऑप्शन, देन यहाँ पे कंट्रोल पी करना है। कंट्रोल पी के बाद आपका जो भी ये जेएसपी का नाम रहेगा वो यहाँ पे सर्च करना है। अब जैसे ही हमने सर्च किया तो ये जेएसपी ओपन हुआ। इनकेस ये जेएसपी ओपन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश बटन को क्लिक करना है तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा जेएसपी का कोड है जिसमें अभी ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। तो जैसे ही मैं एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये वाला फंक्शन कॉल होता है, कॉल चेक अनचेक कॉल करके। तो अभी मुझे इसको डिबग करना है, ये वाले मेथड को। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइन नंबर्स रहते हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा। सेकेंड यहाँ पे भी लगाना है मुझे डिबगर, देन यहाँ पे लगाना है, देन यहाँ पे लगाना है, देन यहाँ पे, ऐसे जो भी लाइन पे आपको डिबगर चाहिए वो लाइन पे आपको क्लिक करना है। तो ये ऐसा ही है, ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा। तो अभी जैसे ही मैं एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये डिबगर यहाँ पे आके रुक गया। मतलब ये आपका जो भी कोड है एग्जीक्यूशन वाला, वहाँ पे आके वो जहाँ जहाँ पे आपने ये हाईलाइट करके रखा है वहाँ पे आके रुक जाएगा। तो ये वहाँ पे ऊपर ऑप्शंस आएंगे, ये नेक्स्ट का बटन है और इस पर अगर क्लिक करते हो ब्लू वाले इसमें, तो आपका जो भी आपने लगाया है डिबगर वो निकल जाएगा। तो नेक्स्ट करते हो तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो वेरिएबल का वैल्यू या जो भी एक्शन हो रहा है। तो ऐसे वन बाय वन जो भी आपने लाइन सेट किया है वहाँ पे वो वन बाय वन जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो ऐसे आप किसी भी फंक्शन में या किधर भी ये डिबगर लगा के अपना कोड इश्यूज वगैरह रिजॉल्व कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।